ये एक स्टूडियो लाइट है जो कि मैंने दराज से ऑर्डर की है। कितने की ऑर्डर की है और इसका क्या फंक्शन वगैरह, सब कुछ आज बताऊंगा आपको इस वीडियो में। सबसे पहले इसके बॉक्स के ऊपर देख लेते हैं, बॉक्स क्या है। जेड नून इसके ऊपर लिखा हुआ है और मॉडल नंबर जो है SM60 वॉट है। वीडियो रिकॉर्डिंग लाइट है, लाइफ स्पेंड कर सकती है 50,000 आवर, मतलब आराम से चल सकती है। कलर टेम्परेचर जो है 5000K to 6500K तक इसकी लाइट जा सकती है। मेटेलिक बॉडी है इसकी, रिपेयर जो है बिल्कुल फ्रेंडली है, इनडोर यूज के लिए आप यूज कर सकते हैं। एसी इनपुट रेंज जो इसकी है 100 to 240 वोल्ट है। उसके बाद किसी भी लाइट स्टैंड के साथ इसका लग सकता है। और इस साइड पे देखें तो अरेबिक है एंड वर्टिकल साइड पे देखें तो चाइनीज आ रही है। अब बात जो है इस लाइट की, जो कि मैंने बतानी थी आपको कि यहाँ पे प्राइस रेंज, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं दराज से ऑर्डर की है, दराज पे दो तरह की लाइट्स लगे हुए थे, मतलब कि लाइट एक ही है, दो वेरिएशन थी, एक विद स्टैंड थी और एक विदाउट स्टैंड। विदाउट स्टैंड जो थी वो 2770 विदाउट डिलीवरी है, विद स्टैंड जो थी वो 3500-3600 रुपीज की विदाउट डिलीवरी आ जाती, मतलब 5600 रुपीज जो वो स्टैंड के आ जाते। मेरे पास ऑलरेडी स्टैंड था तो इसलिए मैंने जस्ट सिंगल लाइट मंगवाई। मेरे पास क्योंकि वाउचर भी अवेलेबल थे और साथ में मेरे पास जो था वो फ्री डिलीवरी थी, इसलिए मुझे 2550 रुपीज की ये विद डिलीवरी यहाँ पर पड़ी। अब बात कर लेते हैं इसकी मेटालिक की, तो यस ऑफ कोर्स ये मेटालिक है। वायर की बात करें तो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है, मतलब इस प्राइस रेंज में काफी मुनासिब है। लेकिन एक चीज इसमें मैं अगर देखूं तो स्टूडियो लाइट जो कि स्पेसिफिक हमारे लिए, मैं जो बैकग्राउंड विद बैकग्राउंड यूज करूं उसके लिए मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता, क्योंकि इसकी लाइट है ना, इसका मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और ना ही इसको मैं जो है वो कलर को चेंज कर सकता हूँ। दैट्स द रीजन के ये मेरे तो बिल्कुल किसी काम की नहीं है। एक तरह आप इसको यूज कर सकते हो, इसको बहुत ज्यादा दूर लगाओ तो फिर आपको जो है वो लाइट प्रोवाइड करेगा। एंड सेकेंड ऑप्शन ये कि आप अगर ग्रीन स्क्रीन यूज करें तो उसके लिए आप ये दो लाइट्स मंगवा के एक राइट एंड एक लेफ्ट रख के, मतलब कि 90 डिग्रीज पे रख के आप इजिली इसको यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि जो लाइट होगी वो डायरेक्टली आपकी फेस पड़ेगी और आप इजीली जो है वो बैकग्राउंड अपना रिमूव कर सकते हो। लेकिन स्टूडियो वाला जो मेरा सीन है यार, उसके लिए तो मैं खुद को रिकमेंड ही नहीं करूंगा, क्योंकि यार इतने डार्क शेडोज बैक पे आ रहे होते हैं कि मेरे तो किसी खाते में लग ही नहीं रही। क्योंकि अगर इसको मैं दूर से भी यूज कर रहा हूं तो ये उसके बावजूद भी जो मेरे बैक पे शेडोज हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर आ जाते हैं, और शेडोज मुझे क्योंकि नहीं चाहिए। दैट्स द रीजन कि मैं इस चीज को अपने लिए जो है वो रिलाई नहीं करूंगा। ओवरऑल इस प्राइस रेंज में क्वालिटी और लाइट काफ़ी बेहतर है, मतलब कि इस प्राइस रेंज में और लाइट्स भी आती हैं लेकिन ये काफ़ी मुनासिब रेट में मिल रही है, और दूसरी लाइट भी काफ़ी अच्छी है। हाँ, एक चीज़ इसमें थोड़ी इंक्लूड हो सकती थी, इसमें वेरिएशन अगर बना देते कि थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती, लेकिन लाइट कंट्रोल इसमें हो जाता, और दूसरी वार्म लाइट और सेकंड जो हमारे पास आती है कोल्ड, वार्म एंड कोल्ड लाइट जो होती है उसमें वेरिएशन डाल देना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पर नहीं डाला। तो इसलिए स्टूडियो विद बैकग्राउंड अगर आप क्लोजली यूज़ कर रहे हो लाइक मेरी तरह, फिर तो ये आपके लिए नहीं है। अगर हाँ, अगर आप अगेन ग्रीन स्क्रीन यूज करो उसके लिए बेहतरीन चीज है। प्राइस रेंज वगैरह मैंने आपको बता दी, क्योंकि अगर आपने एक चीज इसकी नोट की हो तो अगर आप कहीं स्टूडियो वगैरह में गए हो तो ये लाइट जो होती है ऊपर लगी होती है, काफी दूर लगी होती है, और वो लाइट वो डायरेक्टली जो है वो नीचे की तरफ आ रही होती है, इसलिए वो चीज जो है वो आपको देखें। अगर आप न्यूज़ स्टूडियोज वगैरह में देखें तो न्यूज़ स्टूडियो में भी इस तरह की लाइट्स होती हैं, लेकिन वो काफ़ी ऊपर लगी होती हैं। दैट्स द रीज़न के क्लोज लाइट मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको यूज़ करो। हाँ, दूर लगाते हो और ग्रीन स्क्रीन अगर यूज़ करते हो उसके लिए चीज़ बेस्ट है। ओवरऑल मेरी तरफ से 80-20 है, मतलब 80% पॉजिटिव है, 20% जो है वो बस गुजारा है, लेकिन ओवरऑल चीज़ अच्छी है, प्राइस भी मुनासिब है। लेकिन ये आपके डिपेंड करता है कि आप इस लाइट को किस तरह से यूज़ करते हो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है कि ज़्यादा लंबी नहीं, कि मेरे यहाँ दराज से मंगवाई थी मैंने, वैसे लिंक वगैरह जो है मैं पेस्ट कर दूंगा, वैसे स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये, लिंक वगैरह मैं दराज का नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा इस प्रोडक्ट का, तो आप इजीली वहां से जाके ले सकते हो। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।